कर्नाटक की येदुरप्पा की अग्नि परीक्षा है। आज कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं 9 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। येदुरप्पा को राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए 15 सीटों में से कम 6 सीटें जीतनी जरूरी है। आपको बता दें कि विधायकों की बगावत की वजह से जुलाई में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। विधानसभा में एक निर्दलीय के साथ बीजेपी के पास 105, कांग्रेस के 66 और जेडीएस की 34 विधायक है। अयोग्य करार दिए गए 13 विधायकों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव लड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय से इजाजत मिलने के बाद पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो गए थे। और अब यहां पर जो चुनौती है वो येदुरप्पा सरकार के लिए है, चूंकि 15 सीटें हैं जिनमें आज उपचुनाव हो रहा है, लेकिन कोशिशें यहां पर बीजेपी की ये रहने वाली है, येदुरप्पा की ये रहने वाली है कि 6 सीटें कम से कम वो जीत जाए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा फिर उसके पास हो जाएगा। तो 7 बजे की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। तो आज ये उपचुनाव है 15 सीटों पर, लेकिन जो नतीजे हैं वो 9 दिसंबर को सामने आएंगे। उपचुनाव के परिणामों से तय होगा कि जो कर्नाटक में 4 महीने पुरानी बीजेपी सरकार है वो टिकेगी या फिर नहीं। दरअसल जुलाई में जेडीएस और कांग्रेस की जो सरकार बनी थी वो गिर गई थी, और ऐसे में येदुरप्पा सरकार बनी, लेकिन असल अग्नि परीक्षा जो है वो आज कहीं ना कहीं येदुरप्पा सरकार की है, क्योंकि 4 महीने से जो टिकी हुई है सरकार कर्नाटक में, आज उसका कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा कि क्या वो टिकी रहेगी या फिर गिर जाएगी।